हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गूगल सीट के बारे में। तो गूगल सीट की पिछली वीडियोज में हमने आपके साथ बातचीत किया था कि कैसे नेस्टेड इफ लगाया जाता है। हमने ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में आपके साथ डिस्कस किया था कि नेस्टेड इफ किस तरीके से लगाया जाता है। तो अभी तक हमने इस सीरीज में और एंड इफ तीन फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं। अब इससे रिलेटेड हम एक टेस्ट करेंगे ताकि आप लोग एवलेट कर सके कि कैसे हमारा इफ का कितना आपका चीजें आपको समझ में आई है, कितनी चीजें आपको अच्छी लगी है, समझ में आ गई है और आप कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ कुछ क्वेश्चंस है जो जनरली हम एक्सेल वाले को भी देते हैं और गूगल सीट वाले को भी देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है कि क्वांटिटीज ग्रेटर देन 60 देन कमीशन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 40। मतलब कि मुझे यहाँ पे क्वांटिटी दिया हुआ है, मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी दे देता हूँ, क्वांटिटी दिया हुआ है और मुझे इसका कमीशन निकालना। मतलब जिसने 60 से ऊपर सेल किया है, जैसे जैसे यहाँ पर देखिए 71 है, तो 71 मल्टीप्लाई बाय 40 आना चाहिए। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो यहाँ पे मेरे पास मार्क्स है, मार्क्स है, मुझे मार्क्स के अकॉर्डिंग रिजल्ट चाहिए। मतलब जिसने 40 से ऊपर सेल किया है, अचीव किया है, तो उसको पास, और जो 40 के नीचे उसको फेल शो करना है। जैसे कि यहाँ पे 59 है, देखिए यहाँ पे पास है। क्वेश्चन नंबर थ्री, डिस्टेंस। अब यहाँ पे कहना है कि एरिया अगर 200 से ऊपर, एरिया अगर 200 से ऊपर है तो एसटीडी, अगर 200 से नीचे है तो आपका लोकल होगा। यहाँ पे 150 भी है, 170 भी है, 190 भी है और यहाँ पे 180 भी है। तो यहाँ पे जैसे कि ये 450 है तो यहाँ पे एसटीडी शो करना चाहिए और ये देखिए है तो यहाँ पे लोकल शो करना चाहिए। इसको फॉर्मूले से करना है। क्वेश्चन नंबर फोर है टैक्स। अब एमआरपी 500 से ऊपर है तो 12%, अदरवाइज 5%। तो यहाँ पे रैन बिटवीन 100 to 900 हम कर देते हैं और यहाँ पे इसको नीचे ड्रैग करते हैं कॉपी करके और इसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ देखिए इसका 12% नहीं 5% निकलना चाहिए और इसका 12% निकलना चाहिए। सॉरी, ऑलरेडी तो टैक्स है हमारे पास यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फाइव, ड्यूटी। अगर ड्यूटी पांच ड्यूटी जो है रात को 10 बजे से ऊपर है तो ओटी, अदरवाइज एनटी। क्वेश्चन नंबर सिक्स में हम आते हैं तो यहाँ पे क्या है कि सब्जेक्ट्स हैं। अगर सारे सब्जेक्ट में अगर वो ग्रेटर देन, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट ए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सब्जेक्ट 1 से 5 तक मोर देन 33 देन शो रिजल्ट पास अदरवाइज फेल। ये एंड यूज करना है और यहाँ पे देखिए डू ऑल्सो ऑल्सो डू विथाउट एंड, कि एंड यूज ना करके भी करना है आपको। क्वेश्चन नंबर सेवन में हम आते हैं तो इसमें हमारा मार्क्स है और आपको यहाँ पे ग्रेड देना है। ये हमने आपके टॉपिक में डिस्कस भी किया था तो मुझे लगता है इसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगा ग्रेडिंग सिस्टम करने में। क्वेश्चन नंबर आठ की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर आठ में यहाँ सेल्स है, मुझे यहाँ पे इंसेंटिव देना है वो भी इस स्लैब के अकॉर्डिंग, कि अगर 5 to 40 हुआ तो 700, 41 to 80 हुआ तो 1000, 81 to 100 हुआ तो 2000, ग्रेटर देन 100 हुआ तो 5000 और ये 85 to 95 के बीच में 800 आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर नाइन में हमें यहाँ पे भी हम डिस्कस किया था कि इफ पैन इक्वल टू वाई एंड रेस्ट ऑल ऑफ हैव एनी वन वाई देन सो ओके अदरवाइज पेन नहीं। मतलब कि पैन तो होना ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई एक होना चाहिए। और यहाँ पे ऑल्सो फाइंड द अल्टरनेटिव ऑफ एक्स और, एक एक्स और फॉर्मूला होता है उसका अल्टरनेटिव आपको फाइंड करना है।
क्वेश्चन नंबर 10 जो है क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, बट इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हमने ज्यादा कर दी है कि इसमें स्लैब इंसेंटिव है, जैसे कि ये सेल से यहाँ पे इंसेंटिव देना वो भी इसके अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए किसी ने अगर 35 सेल किया तो 35 मल्टीप्लाई बाई 20, अगर किसी ने 45 सेल किया है मतलब कि उसने 40 जो है 0 to 40 वाले स्लैब में किया है, और 5 जो किया है वो 41 to 80 के स्लैब में किया है, मतलब कि 40 को 20 रुपए से मल्टीप्लाई करके और 60 को 5 5 से मल्टीप्लाई करके हमें उसको जोड़ देना है, क्योंकि 40 जो है 20 रुपए के हिसाब से है और 5 जो है 60 रुपए के हिसाब से है। इसी तरह से 85 में 40 40 और 580 है, 120 में 40 40 20 और 20 है, तो इस स्लैब के अकॉर्डिंग है इसको आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें इंटरेस्ट निकालना है। देखिए क्या है कि एक बिल्डर है, बिल्डर फ्लैट बनाता है, तो फ्लैट जो है उसको बुकिंग करता है बनाने के समय, तो बोला गया है कि आपको 5 करोड़ तक की बुकिंग लेनी है और फ्लैट के एमआरपी का 10% आपको बुकिंग अमाउंट लेना है। होता है क्या है कि कभी कभी बुकिंग अमाउंट देते समय किसी को पैसा कम जाता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 25 लाख की अमाउंट है, 2.5 लाख होंगे 10%, लेकिन किसी ने 1.5 लाख दिया, बोला कि 1.5 लाख ले लीजिए मैं बाद में कुछ दे दूंगा, तो बिल्डर कहता है कि कोई बात नहीं आप जो है पैसा आराम से दीजिए, लेकिन आपको 20 महीने तक पैसा दे देना है, 20 महीने के बाद आप जितना महीना लेट करोगे आपको 17% ईयरली इंटरेस्ट से आपको पैसे का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये आपका इंटरेस्ट यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा रखा है, बस आपको समझना है कि क्या फॉर्मूला है। ये फाइल मेरे जो लोग मेरा मोबाइल ऐप यूज करते हैं वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिप फोल्डर में रहेगा, सिस्टम पे डाउनलोड करके इसको आराम से देख सकते हैं, ये फाइल आपको मिल जाएगी मेरे मोबाइल ऐप जो यूजर है। आप लोग मोबाइल ऐप यूज नहीं कर रहे हैं तो फटाफट नीचे लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के, फटाफट डाउनलोड कर लीजिए या फिर प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए एक्सेल एमआरएस ट्रेनिंग। ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन मैंने आपको एक्सेल पर समझाया है बट आपको करना गूगल सीट पर है, तो गूगल सीट में इसको डाउनलोड करके गूगल सीट में इसको करना है। थैंक यू।